नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर में इन दिनों सृजन घोटाला मामले में फिर से जांच एजेंसी की कार्रवाई तेज हो गई है। पिछले दिनों जहां केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम ने फरार चल रहे घोटाले के मुख्य आरोपी रजनी प्रिया और अमित कुमार के कई ठिकानों पर गिरफ्तारी को लेकर इश्तेहार चिपकाया था, वहीं आसपास के लोगों से भी दोनों मुख्य आरोपी की किसी प्रकार की जानकारी मिलने पर स्थानीय थाना को सूचना देने की अपील सीबीआई टीम के द्वारा की गई थी। वहीं शुक्रवार को भी बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में आरोपी अरुण कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहुंची सीबीआई की टीम ने अहले सुबह उसके घर से दबोच लिया। बता दें कि सृजन घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी अरुण कुमार सिंह पूर्व में भागलपुर डीआरडीए में लिपिक पद पर कार्यरत थे, जिसकी तलाश सीबीआई की टीम को काफी दिनों से थी। इधर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई टीम ने सदर अस्पताल में अरुण कुमार सिंह की मेडिकल जाँच कराने के बाद उन्हें लेकर पटना के लिए रवाना हो गई। बहरहाल एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी की सरगर्मी और दबिश बढ़ने से जहां शहर में कौतूहल बना हुआ है, वहीं इस मामले में शामिल और फरार चल रहे आरोपियों के साथ कई सफेदपोशों एवं व्यवसायियों के बीच हड़कंप मच गया है। हालांकि अब तक घोटालों के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना भी केंद्रीय जाँच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। सभी को मानना पड़ेगा। क्या कुछ ने इश्तियार छापा गया? इश्तियार है, कोर्ट ने आदेश दिए थे, उसी के अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। भागलपुर में दुष्कर्म में पीड़ित महिला को 5 दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आलम यह है, 3 बच्चों की मां के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन पुलिस सिर्फ मुख दर्शक बनी रहती है। वहीं मामले को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि 21 नवंबर की देर शाम उसके देवर मोहम्मद गुरफान ने चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म कर लिया। पीड़ित महिला के मुताबिक उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था और देवर गुरफान ने रस्सी से बांधकर यह गलत काम किया। पीड़िता ने बताया कि मामले के संदर्भ में उसने पहले उसकी शिकायत अपने ससुराल वालों से की, लेकिन पति मोहम्मद रिजवान सहित उनके ससुराल वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। मामले को लेकर प्रीता का कहना है कि नजदीकी थाने के अलावा वह महिला थाना भी पहुंची, लेकिन महिला थाना प्रभारी नीता कुमारी ने भी गुहार को अनसुना कर दिया और उसे थाने से निकल जाने को कहा, जिसके बाद शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़िता अपने 3 बच्चों के साथ सीनियर एसपी बाबूराम के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। इधर पीड़िता का कहना है कि घटना को 4 दिन बीत चुका है और अब तक उसके पति और ससुराल वालों के साथ की मिली भगत के कारण उसका मेडिकल जांच भी नहीं कराया गया है। साथ ही कहा कि उसके पति ने बिना उसे तलाक दिए ही दूसरी महिला के साथ शादी कर ली है। रात में जब हम सो रहे थे तो आधी रात को गेट ढकढकाया, फिर जाकर के हम मेन फाटक जो होता है खोल दिए, खोल के जब गैस अपना बंद करने के लिए चले गए तो बस किचन में घुस करके हाथ मुँह बांध के रस्सी से बांध करके और जाके जबरदस्ती छुरी दिखा करके, नहीं तो तुमको है ना बच्चा समेत मार देंगे, जान से तुमको भी मार देंगे, नहीं तो हमको रेप करने दो। कब की घटना है? 21 नवंबर रात 11 बजे रात में। सास ससुर को नहीं बोले? सास ससुर को बोले, इतना चिल्लाए तो सास ससुर बोले कि हाँ जब तुम ससुराल में रहोगी तो ऐसे रेप होता रहेगा तुम्हारा, नहीं तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ तुम। पति को बोले, पति को फोन इतना लगाया तो पति जो सुबह में बताए तो पति भी बोले कि हाँ तुम मरो कहते तुम्हारा ऐसे ही रेप होता रहेगा। बाबा विश्व राउत 4 लेन के समीप नवगछिया मधेपुरा बॉर्डर पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि इस घटना में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान कटिहार के कुरसैला निवासी वसंत शाह और पूर्णिया के मोहनपुर निवासी सुबोध सिंह के रूप में हुई है। वहीं हादसे के बाद गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए तत्काल नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को भागलपुर के मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार हाईवा ने यात्रियों से भरी ऑटो में टक्कर मार दी और फरार होने के क्रम में हाईवा चालक ने एक कार में भी टक्कर मारी और वहां से फरार हो गया। इसके बाद ऑटो में सवार 9 यात्री और कार में सवार 3 यात्री इसकी चपेट में आ गए। वहीं ऑटो पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसके अलावा ऑटो और कार के 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी हालत फिलहाल चिंताजनक बताई जा रही है। इधर घायलों की पहचान चौसा मधेपुरा निवासी अमित कुमार, मुरली रगरा के रंजीत कुमार और दिलखुश कुमार, पूर्णिया मोहनपुर की शबनम देवी एवं पूर्णिया रुपौली के अजय राय के रूप में हुई है, जबकि दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। ये घटना हुआ, हमको फ़ोन पर जानकारी मिली, हम भागलपुर के रास्ते थे विक्रमशिला पुल पर, तो फ़ोन से हमको मालूम हुआ कि एक टेम्पू
एक्सीडेंट किया है। तो टेम्पू में सवार था लगभग वही 9 आदमी, जिसमें कि 2 आदमी का स्पॉट डेथ हो गया है और 6 आदमी गंभीर रूप से घायल है। फिर कार में 2 आदमी सवार था, जिसमें कि एक का हालत बहुत ख़राब है और एक का तो हम नहीं बता सकते हैं, और दोनों गाड़ी का एकदम फरकच्चा उड़ गया है। और हमको मालूम हुआ वहाँ कार्यकर्ता के द्वारा कि हैवा वाला टेम्पू वाले को धक्का मारा और हैवा वाला भागते हुए कार वाले को मारा। बांका के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत खेल मैदान पर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति की ओर से बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार सह मार्गदर्शक मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन बांका जिलाधिकारी अंशुल कुमार और DDC कौशलेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान DM अंशुल कुमार ने सभी रोजगार काउंटर पर जाकर नियोजक से जानकारी ली और इस तरह के आयोजन समय समय पर किए जाने की बात कही। इसको लेकर BPM चंचला कुमारी ने बताया कि जीविका बांका ने ग्रामीण युवाओं के रोजगार एवं स्वरोजगार के बढ़ते कदम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना अंतर्गत यह मेला लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें LIC इंडिया, शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड, क्यूसेस क्रॉप लिमिटेड, हाफ केयर सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पटना, खादिम्स DRCC बांका सहित कई कंपनी की ओर से रोजगार मेला में स्टॉल लगाया गया है, जिसमें विभिन्न जगहों से आए बेरोजगार युवाओं ने शामिल होकर आवेदन किया। मौके पर अमरपुर BDO राकेश कुमार, जिला रोजगार प्रबंधक सतीश कुमार, मुखिया संघ के अध्यक्ष आशुतोष कुमार उर्फ शंकर सिंह, फतेहपुर पंचायत मुखिया सुभाष दास सहित कई संबंधित कर्मी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। जीविका के माध्यम से बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में कटहल मैदान में एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित है और लगभग 1500 की संख्या में अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है हम लोगों को सूचना है कि युवाओं के द्वारा किया गया है। रोजगार मेला में लगभग 13 कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है, 10 कंपनियाँ आई भी हैं और एक अच्छा रिस्पांस यहाँ पर है। इस तरीके के सभी प्रखंडों में हम लोग इस तरीके का रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, बहुत सी दुराइया सब जगह पर हुआ है और आज अमरपुर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ और हम उम्मीद भी करते हैं कि यहाँ से काफ़ी लोग लाभान्वित होते हैं। जहां अदालतों में आपसी और जमीन विवाद समेत कई तरह के मामले का बोझ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं बिहार के जहानाबाद में एक गांव ऐसा भी है जहां के लोगों ने अपने सूझबूझ और आपसी सामंजस्य से सकारात्मक नज़ीर पेश की है। दरअसल जहानाबाद के घोसी प्रखंड स्थित धौताल बिघा गांव में आज़ादी के बाद से कोई भी मामला थाने तक नहीं पहुंचा है और किसी ने भी आपसी विवाद या लड़ाई को लेकर थाने में FIR तक दर्ज नहीं कराया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। करीब 800 की आबादी वाला यह गांव इसको लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं करीब 100 घरों वाले इस गांव में वार्ड सदस्य और पंच भी निर्विरोध चुने जाते हैं, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि गांव एकता के सूत्र में इसी तरह से बंधा है कि प्रत्याशी पंचायत चुनाव में भी वार्ड एवं पंच पद से निर्विरोध चुनाव जीत जाते हैं। साथ ही कहा कि अगर गांव में किसी बात को लेकर विवाद होता भी है तो उसे आपस में ही निपटा लिया जाता है, जिससे विवाद बड़ा और जटिल नहीं हो और कोर्ट कचहरी की नौबत नहीं आए। वहीं इसको लेकर पंचायत के मुखिया विजय साहब ने बताया कि यह किसी भी गांव के लिए एक बेहद अच्छी परंपरा है और इसका अनुकरण कर अन्य गांव में भी इससे आपसी विवाद की बढ़ती संख्या के साथ कोर्ट में बढ़े मामलों की तादाद में कमी आ सकती है। कोई भी मामला तो हर गांव में कुछ न कुछ आते रहता है, लेकिन लोग आपस में बैठ करके, जो नौजवान बूढ़ा बुजुर्ग सब बैठ करके इसका मैंने के समाधान कर लेते हैं और कोई भी अभी तक तो केस ना गया है। नहीं, केस वगैरह नहीं होता यहाँ पर, जो होता है भी हल्का फल्का तो आपस में ही मैंने फैसला कर लेते हैं कि इसलिए आगे कोई कांड ऐसा ना हो कि आगे बढ़े।
हमीरपुर में एक विवाह भवन और रिसोर्ट संचालक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात समस्तीपुर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर स्थित रुपेश विवाह भवन और रेंजिंग रिसोर्ट के संचालक मनोहर सिन्हा को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो। मृतक मनोहर सिन्हा मोहनपुर के ही रहने वाले थे, जिनकी गिनती उत्तर बिहार के बड़े डेकोरेटर के रूप में होती थी। जबकि मनोहर का शव मोहनपुर पावर हाउस के पास सड़क किनारे पड़ा बरामद हुआ था। वे बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में भी टेंट पंडाल लगाने का काम करते थे। हालांकि फिलहाल मुफस्सिल थाना की पुलिस हत्यारों और हत्या के कारण का पता लगाने में जुट गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मैरिज हॉल में काम करने वाले कर्मियों और अन्य लोगों की मदद से मनोहर सिन्हा को समस्तीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर इस मामले को लेकर मुफस्सिल थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा ने बताया कि घटनास्थल पर रिजॉर्ट संचालक मनोज सिन्हा की कार खड़ी पाई गई है और मृतक के शरीर पर गोली के दो निशान मिले हैं, जबकि मौके से एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। उस समय हम देखे कि वो उसको फोन पर बात कर रहा था, वो कह रहा था कि आइए ना, ये कहा कि ठीक है आते हैं। हम निकले, शायद वो भी निकल गया। हम घर आए, खाना खा के हम सो गए। बाद में रात में एक स्टाफ हमको फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे मनोहर बाबू को गोली लग गया है। हम धड़फड़ा के उठे, तब तक डेड बॉडी को गेट तक ले आया था ऑटो पर लाद के, और उसके बाद डॉक्टर के यहाँ गए डीके सिंह के यहाँ, उसके बाद आगे एक और है इमरजेंसी उसके यहाँ गए। वो लोग सब कहा कि भाई आप जो है सो सदर अस्पताल जाइए। सदर अस्पताल गए, वहाँ जी इसी किया तो कहा कि नहीं ख़त्म हो गए हैं। तो हम लोगों को अब पुलिस का कोई अथी नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।